लगातार 5 हार के बाद लखनऊ टीम के खिलाफ मुंबई टीम ने घोषित किए नए ओपनर्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लगातार 5 हार के बाद मुंबई टीम ने कौन से ओपनर घोषित किए हैं इस बारे में। तो चलिए दोस्तों, अभी मुंबई टीम को इस सीजन में वापसी करते हुए देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है लखनऊ टीम के खिलाफ किन दो खिलाड़ियों को ओपनिंग बल्लेबाजी करनी चाहिए, आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुंबई की टीम आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम है, जहां मुंबई टीम का हर सीजन में सामने वाली टीमों पर दबदबा रहता है। लेकिन दोस्तों, इस सीजन में मुंबई टीम खराब फॉर्म से गुजर रही है, जहां मुंबई टीम को इस सीजन में लगातार 5 मुकाबले गंवाने पड़े हैं, जिसके चलते मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 10 के स्थान पर पायदान हो चुकी है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले लगातार 4 मुकाबलों में मुंबई टीम के ओपनर्स कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे, और खुद यह बात कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस के दौरान भी कहा था। अब ऐसे में मुंबई टीम अपने अगले मुकाबले में ओपनिंग बल्लेबाजी में बदलाव करते नजर आएंगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुंबई टीम को इस सीजन का अपना 6ठा मुकाबला लखनऊ टीम के खिलाफ खेला जाना है। दोस्तों, यह मुकाबला 16 अप्रैल शनिवार दोपहर ठीक 3:30 बजे से मुंबई के मैदान पर खेला जाना है। दोस्तों, यह मुकाबला जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा एक मजबूत इरादे के साथ अपनी टीम को उतारने का प्रयास करेंगे, और इस सीजन का अपना पहला मुकाबला जीतने के लिए टीम में कई बड़े बदलाव करते भी नजर आएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं मुंबई टीम ने लखनऊ टीम के खिलाफ कौन से ओपनर घोषित किए हैं इस बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले 4 मुकाबलों में लगातार फ्लॉप चल रही ओपनिंग साझेदारी मुंबई टीम की हार की मुख्य वजह बन रही है, जहां खुद कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। अब लखनऊ टीम के खिलाफ ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर मुंबई टीम बड़े बदलाव करते नजर आएगी, जहां पर खुद कप्तान रोहित शर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर तिलक वर्मा और बेबी एबी को मौका दे सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा और बेबी एबी एक आक्रामक बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए दमदार बल्लेबाजी कर सकते हैं और मुंबई टीम को एक बढ़िया शुरुआत भी दिला सकते हैं, और इन दोनों बल्लेबाजों में वो काबिलियत है कि अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला सके। तो वह पर नंबर 3 पर कप्तान रोहित शर्मा और नंबर 4 पर ईशान किशन सूझबूझ वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूत बना सके। दोस्तों, बात करें तो सूर्य कुमार यादव की, दोस्तों सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी नंबर पर अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखा सकते हैं, और इस वक्त सूर्य कुमार यादव का फॉर्म काफी शानदार है। तो यहां पर दोस्तों, केएल राहुल को लखनऊ टीम के खिलाफ मुंबई टीम तिलक वर्मा और बेबी एबी को ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर मैदान पर उतार सकती है। तो दोस्तों, आप भी मुंबई टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है लखनऊ टीम के खिलाफ किन दो खिलाड़ियों को ओपनिंग बल्लेबाजी करनी चाहिए, आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो।